राष्ट्रवादी कांग्रेस महानगर द्वारा ध्वजारोहण उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। आज 26 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे अकोला के खदान स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष मोहम्मद रफीक सिद्दीकी के कार्यालय के सामने गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बाबू अवस्थी के शुभ हस्ते ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान तथा झंडे को सलामी दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता विश्वनाथ जी कांबले, खदान पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक धनंजय सायरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष संग्राम भाऊ गावंडे, महिला महानगर अध्यक्ष सरलाताई वरघट, ग्रामीण महिला जिला अध्यक्ष सुषमाताई कावरे आदि प्रमुख रूप से मेहमान उपस्थित थे। इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष मोहम्मद रफीक सिद्दीकी ने उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी से किसी न किसी सामाजिक कार्य में शामिल होने की अपील की तथा वीर जवानों का एवं मातृशक्ति का सत्कार किया। खदान पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक धनंजय सायरे और उनकी टीम को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नृत्य, देशभक्ति गीत और विभिन्न कला प्रदर्शनियों का प्रदर्शन किया गया। सलार भाई, काशीनाथ बागड़े, मनोहर लाल मल्होत्रा, चंदू खान, बुरहान भाई मंटू वाले, लता ताई वर्मा, यूनुस ठेकेदार, अलीम ठेकेदार, आदिल खान, गोविंद पांडे, शेख रमजान शेख इस अवसर पर इमाम, अजमत ठेकेदार, मन्नान भाई सिद्दीकी, अब्दुल जावेद, विक्की राजूरकर आदि गणमान्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 75 वर्ष में तमाम देशवासियों को आदरणीय शरद चंद्र जी पवार राष्ट्रवादी के तरफ से पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। देश में अमन और शांति रहे ऐसी तमाम राष्ट्रवादियों की तरफ से पूरे देशवासियों को शुभेच्छा। इस देश में राष्ट्रवादी के शरद चंद्र जी पवार साहब ने जो इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का काम किया है, उसी तरह हम राष्ट्रवादी के तमाम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता इस देश को अखंडता कायम रखने का संदेश देते हैं। हम खुद भी इस चीज़ को एकता का एक रूप देंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय महाराष्ट्र।